बूंदी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक मिथिलेश जैन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये अधिकारी हर सेक्टर से 6000 रिश्वत लेती थी, जिस पर एक महिला ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं विभाग ने शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी है। एसीबी ने जैन को 10000 रुपए लेते गिरफ्तार किया है। मामला ये है कि महिला एवं बाल विकास अधिकारी की काफ़ी दिनों से डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती मिथिलेश जैन की शिकायत आ रही थी कि अपने सीडीपीओ से और महिला सुपरवाइजरों से काफ़ी मात्रा में मंथली वसूल करती हैं, रिश्वत लेती हैं, नोट डालने के नाम पर रिश्वत लेती हैं, इंस्पेक्शन करने के नाम पर रिश्वत लेती हैं। इसमें एसीबी ने अपने सूत्रों का उपयोग करते हुए आज एक परिवादिया, इन्हीं के विभाग की परिवादिया जिसके नाम गोपनीय रखने की शर्त पे उजागर नहीं करना है, और उसके द्वारा दिए परिवाद पर सत्यापन कराया गया। दौरान सत्यापन आरोपी श्रीमती मिथिलेश जैन ने 2000 रुपये प्राप्त किए और 6000 रुपये महीने के हिसाब से दो सेक्टर के लिए 12000 रुपये की डिमांड करी थी, जिसमें आज शेष 10000 रुपये लेते हुए, रिश्वत लेते हुए आज इसको अपने ही कार्यालय में रंगे हाथों गिरफ्तार कर।